अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कोलबा। यहाँ पर हमने अपनी स्कूटी को पार्क की हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आप स्कूटी को पार्क कर सकते हैं। बस स्टैंड जैसा मैंने आपको बता दिया उस साइड ऑलरेडी है। सुबह सुबह यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहा है और बोल भी रहा है कि सुबह सुबह आइसक्रीम खाना है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा रेत है। काफ़ी अच्छा व्यू है। पहली बार मैं ऐसा बीच का एंट्री पॉइंट देख रहा हूँ जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है और इसी टाइप का ब्रिज इधर भी है जहाँ पर अभी हम लोग चढ़ के जा रहे हैं। ये है इसका एंट्री का पॉइंट। वाटर स्पोर्ट्स वाले मिल गए अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी जस्ट आए हैं ना। मिल गया हमें। यहाँ से शैक्स स्टार्ट हो गया। एक एक करके बहुत सारे शैक्स हैं और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, शैक्स के सामने में जो भी बेड रहेगा, अभी नहीं, शैक्स के सामने जो भी बेड रहेगा उस पर बैठने का कोई चार्ज नहीं है। बस आपको खाना खाने के लिए इसी में से ऑर्डर करना पड़ेगा। ये इन लोगों का एक सबसे बड़ा टर्म एंड कंडीशन होता है। ये आप देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। इस वाले बीच पे ना स्पोर्ट्स भी करवा रहा है, बट आई थिंक इसका प्राइसिंग बहुत हाई है क्योंकि मैंने पहले ही देखा हुआ है। मैं आपको वो भी बताऊंगा। इस बीच का जो भी सैंड है ना वो वाइट सैंड है, यानी पूरा उजला रेत है। मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए पूरा वाइट है। यहाँ पे फोटोग्राफिंग के लिए बार बार ये लोग बोलते रहते हैं, आप भी चाहे तो करवा सकते हो। नहीं चाहिए। ये है सर्फ रेस्क्यू। अगर कोई बीच में जाके अटक गया तो यहाँ से वो बैठ के देखते रहता है। वैसे आई थिंक अभी तो नहीं है। काफ़ी ठीक भीड़ भाड़ है, अच्छा भीड़ है। ये बीच का स्ट्रेच भी काफ़ी लंबा दिख रहा है मुझे और बहुत ही ओपन है। स्टार्टिंग में जब हमने एंट्री वहाँ से की थी उस जगह पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस साइड बढ़ रहे हैं भीड़ मुझे दिख रहा है कि बहुत कम है। और यहाँ पे एक शैक है और ये सब जो नाव दिख रहा है ज़्यादातर ये लोग फ़िशिंग के लिए रखा हुआ है और इसमें कुछ ये लोग बोटिंग भी करवाता होगा, लेकिन ये सब तो फ़िशिंग का नाव है। तो यहाँ पे ये लोग फ़िशिंग करके आ चुका है, उसका एंकर लगाने के लिए ये सब इंतज़ाम कर रहा है। ये एक नया आइटम है, कितना मोटा मोटा रस्सा है। निकलो जल्दी। ये वन ऑफ द बेस्ट शैक मुझे लग रहा है। सारे फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पे हैं, सो हम लोग भी यहीं पे एक सीट को ग्रैब करेंगे। और ये वाला पे उतना भीड़ भी नहीं है, इंडियन ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग भी इसी को चुनेंगे। फाइनली मैं अपना सारा कपड़ा अपना वस्त्र उतार के आ चुका हूँ कोलबा बीच में। कोलबा, कोलाबा नहीं, कोलाबा मुंबई में, कोलबा। लहर बहुत तेज है, इस वाले लहर में कूदेंगे। पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन है, हद से ज़्यादा। पानी नमकीन भी है, मजा भी आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं मैं समंदर के कितने अंदर में आ चुका हूँ, काफी अंदर में मैं हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा शैक्स काफी दूरी पर है और मैं बहुत अंदर में हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कोलबा बीच का कि यहाँ पर जो
नीचे का सरफेस है ना वो प्लेन है, प्लेन है यानी कि आप टूटेंगे नहीं, इसका खतरा बहुत कम है। साउथ गोवा का वन ऑफ द बेस्ट बीच है कोलबा। ये वाला एरिया हमें सबसे अच्छा लगा, शांति है यानी कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। 90% इन दोनों शैक्स में फॉरेनर्स हैं, इंडियंस तो ना के बराबर हैं, होंगे दो चार फैमिली, अदरवाइज सारी भीड़ उस साइड है। अगर आप देख पा रहे होंगे वहीं एंट्री पॉइंट था, वहीं पे वाटर स्पोर्ट भी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो मेरे नज़र में अंजुना बीच सबसे बेस्ट रहेगा वाटर स्पोर्ट्स के लिए। ये भाई रेस्क्यू वाले हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो ऐसे ये लोग देखते रहते हैं। पूरे बीच पे बना हुआ है, ये लोग मिनट भर का समय नहीं लगाएगा और तुरंत बचाने के लिए दौड़ पड़ेगा। ये बहुत ही एक अच्छा दिया है, ये मैं इसी बीच पर देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग जहाँ भी नॉर्थ में गए ये वाला तो एटलीस्ट नहीं देखा हमने, बट यहाँ पर है यानी कि यहाँ पर रेस्क्यू का ज़रूरत पड़ेगा। सो अभी हमने उस बीच को बाय बाय कह दिया, बेसिकली हम लोग उस बीच पे थे और वहीं पे मैंने अपने बाइक को पार्किंग किया हुआ है। सो अब हम चल रहे हैं इस साइड में, इस साइड में जाएंगे, यहाँ पे 2 से 3 बीच और मिलेगा एंड उसके बाद तब हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। चलते हैं आपको नज़ारा दिखाते हैं। इधर का एरिया बहुत खाली खाली है, यहाँ पे कोई शैक्स नहीं है, शैक्स वही जो बताया, छोटे छोटे होटल बीच के किनारे पे जो बने होते हैं उसको शैक्स बोलते हैं। यहाँ पे चूंकि कोई शैक्स नहीं है इसीलिए यहाँ पे पब्लिक भी नहीं है, और जहाँ आगे एक बीच मिल जाएगा वहाँ पे शैक्स वगैरह सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए बीच का पार्ट थोड़ा खाली ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे बगल में जंगल भी है। लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद हम लोग एक बीच पर पहुंच रहे हैं। ये एक नया बीच है, कुछ ही देर में बताता हूँ कौन सा बीच है। ये सब जंगल है खाली खाली, यहाँ पे जाके अपना आदमी बैठ सकता है, जिसको समंदर से मन भर गया वो जंगल में बैठ जाए, बाद बाकी समंदर से मन भरता कहाँ। फाइनली हम इस बीच पे पहुंच गए हैं, ये दूसरा बीच है। अब यहाँ पे भी ज़्यादा शैक्स नहीं है, आई थिंक 1, 2, 3 बस 3 शैक्स इधर दिख रहा है और आई थिंक 2-3 उधर दिख रहा होगा। बहुत कम शैक्स है इसलिए पब्लिक का भीड़ भी कम है, यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आपको दिख जाएंगे। लाइफ गार्ड वाला वहाँ पे है, वो जो लाइफ गार्ड है वो लोग है, वही लाइफ गार्ड का बंदा यहाँ बैठा हुआ है, कोई भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है तो ये लोग काम करता है, बेसिकली ये लोग लाइफ गार्ड आई थिंक पुलिस है। सो फाइनली नाम का पंगा ख़त्म हो चुका है, बैतल बातिम करके इस बीच का नाम है जहाँ पे अभी हम लोग हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, चलते चलते अभी हम लोग को आगे जाना है और उसके बाद तब हम लोग कोलबा बीच पे जाके एग्जिट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसके बीच वाले वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी काफ़ी देरी तक बैठ चुके हैं। सो बैतल बातिम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांत है, कोई भी आदमी नहीं है, ज़्यादा कम लोग हैं, सो आराम से चिल आउट मोड का ये प्लेस है। कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, सिंपली आइए एंजॉय करिए। जो वाटर का सरफेस है वो काफ़ी मतलब समान है, समतल है, तो आराम से दूर तक जाके आप नहा सकते हैं, ये इस बीच का खासियत है। देखते हैं और आगे एक बीच है उसका क्या पोजीशन है। ये सब भी शैक्स आप देखो ना, बहुत खाली खाली शैक्स है। सो बीच के किनारे में यहाँ पे एक इस टाइप का स्पॉट मिला, आइए देखते हैं ये क्या है, आखिर चल क्या रहा है इधर। मुझे तो कुछ म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा है, देखते हैं क्या है। ये आई थिंक पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट ही है। ओके, ये पिकनिक स्पॉट है, सारे लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं पिकनिक, दैट्स अ ग्रेट वन। सो हमने
इस बीच को भी क्रॉस कर लिया और अब यहाँ से जाने वाले हैं पाजौड़ा बीच के पास में, वो और थोड़ा आगे है, इसका भी राइड लेंगे। ये भी मज़ा है चूँकि आज हमारे गोवा ट्रिप का लास्ट बीच का जो ट्रिप है वो है, इसीलिए आज हम लोग कम बैठेंगे, टूर ज़्यादा करेंगे। नहा नहा के तो पक गए यार, कितना नहाओगे, सेम चीज़ है नहाने का और क्या। पाजौड़ा जाने के क्रम में भी बीच में बहुत सारा खाली आपको मिलेगा, कोई शैक्स नहीं है, काफ़ी गैपिंग है और इसी गैपिंग के बैक साइड में ना जनरली गांव बसा होता है, सो इसीलिए नज़दीक नज़दीक बीच नहीं रहता है, थोड़ा दूर पे, और अदरवाइज नहाने वाला आदमी यहाँ भी नहा सकता है, सब तो बीच एक ही टाइप का है, बस अलग शैक्स है, उसका नाम अलग हो गया, हो गया बस यही है। इस वाले बीच एरिया का सबसे बड़ा खासियत ये है, यहाँ पिकनिक स्पॉट है, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सारे लोग आके इस बैक साइड में पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग पिकनिक मना रहे हैं इन सारे इलाकों में, और बहुत बढ़िया लगा। ये मुझे पहला ऐसा बीच दिख रहा है, मतलब कोलबा से लेके जो लंबा स्ट्रेच है 5-6 किलोमीटर का, उस स्ट्रेच पे ये सारा इस टाइप का दिखेगा आपको, जहाँ पे कोई भी आदमी अपना पार्टी कर सकता है, अदरवाइज दूसरे बीचेज पे तो यहाँ रिजॉर्ट है तो होटल है तो जगह ही नहीं है, मार्केट है, यहाँ पे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बीच पर वॉलीबॉल के अलावा क्रिकेट फुटबॉल सब लोग खेल रहा है, जिसको जैसा सही लग रहा है वो खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे भी चल रहा है, कुछ क्रिकेट प्रेमी है भारत के, ये देखिए, और ये रहा सिक्सर, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या कमाल का शॉट था, बहुत अच्छा। ये जो अभी बीच हम लोग आ गए घूमते घूमते, इसका नाम है घोड़ा फार्म। अब पता नहीं घोड़ा फार्म क्या बोल रहा है, लोकल लैंग्वेज में तो उसने यही बोला मुझे, और इसके आगे मिलेगा पाजौड़ा। इस बीच पे भी विदेशी हैं अच्छा खासा, एक ही शैक्स है वहाँ पे, झंडा भी अपने इंडिया का तो नहीं ही लहरा रहा है, सारे विदेशी अपना लेटे हुए हैं बस। वेल सो इस बीच पे भी वाटर स्पोर्ट्स होता है, अदरवाइज अलग बात है कि पब्लिक कम है तो वाटर स्पोर्ट्स हो नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है वाटर स्पोर्ट्स का। नहीं, एक छोटा सा अपडेट है, दरअसल ये सारा बीच ना बेतलबाती बीच ही है, यहाँ पे घोड़ा पार्क इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी ये लोग करवाता है, चार्ज आपको अच्छा खासा देना पड़ेगा। सो अब हम लोग चलते हैं पाजौड़ा, नहीं तब से मैं पाजौड़ा बोल रहा था, बेसिकली माजौड़ा है, अब सही बोला उसने। ये देखिए घोड़े के बांधने के लिए, जब हम लोग वहाँ पे चलेंगे रिलैक्स करेंगे किसी शैक्स पे और फिर एग्जिट करेंगे। सो ये हम लोग का अभी स्पॉट रहेगा, यहीं पर अभी हम रिलैक्स करेंगे। ये एक चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे दो बेड है, एक टेबल है, यहाँ पे बैठने का एक ही शर्त है, आपको इस वाले शैक्स से ऑर्डर देना होगा। ये सामने में बीच है, काफ़ी रिलैक्सिंग है और बड़ा ही मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक का जितना भी जगह पे मैं गोवा में गया हूँ, सबसे बेस्ट जो मुझे मिला है ये बेड, वो यहीं का मैं कहूँगा। और ये स्पॉट है हमारा बेतलबाती, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिलैक्सेशन का हो रहा है सेशन। माजौड़ा उसका नाम है, उस वाले बीच का माजौड़ा। अब चूंकि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, भीड़ भी है, इसीलिए हम लोग उधर नहीं गए, हम लोग यहीं पे आ गए, चूंकि मुझे रिलैक्स करना था, वाटर स्पोर्ट्स हमने कर लिया है, वो मंगता नहीं है।